अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो, स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो, मेरा नाम शरद है और मैं एक कॉमिक कलाकार हूँ। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉमिक बना सकते हैं, कॉमिक्स होती क्या है और कॉमिक्स का क्या इस्तेमाल है। आप सबने जरूर अपने बचपन में या आज भी इन दिनों कॉमिक्स पढ़ी होंगी या पढ़ रहे होंगे। क्या कॉमिक्स सिर्फ सुपर हीरो की कहानियां होती हैं? क्या कॉमिक्स में सिर्फ परी कथाएं होती हैं? क्या कॉमिक्स में सिर्फ राजा और रानियों की कहानियां होती हैं? या कॉमिक्स इसके बियॉन्ड भी, इसके परे भी कुछ है? कॉमिक्स को सूचना और संवाद के एक माध्यम के तौर पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आपने कॉमिक्स जर्नलिज्म और ग्रासरूट्स कॉमिक्स जैसे नाम सुने हैं? ये बहुत बड़ा मायावी और बहुत मनोरंजक एक संसार है जिसके बारे में इस कार्यक्रम में हम धीरे धीरे एक एक पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए भर नहीं है कि आप सूचनाएं और जानकारियां यहाँ से इकट्ठा कर लें, बल्कि ये कार्यक्रम इसलिए भी है कि हम अपनी भी कॉमिक्स बनाए। तैयार है आप? स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन और बहुत सारे ऐसे सुपर हीरो की कहानियां आपने पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी होंगी तो कम से कम आपने टीवी पर इनकी एनिमेशन फिल्म्स जरूर देखी होंगी। ये वो सुपर हीरो हैं जो हर मुसीबत के समय सही जगह पर सही समय पर मौजूद होते हैं। कॉमिक्स में ये संभव है। एक कॉमिक्स है जो सुपर हीरो की कहानियां कहती है, एक कॉमिक्स है जो आम लोगों की कहानियां कहती है। इनको हम ग्रासरूट्स कॉमिक्स भी कहते हैं, और इसलिए हम इसे ग्रासरूट्स यानी जमीनी कॉमिक्स कहते हैं क्योंकि ये जमीन के मुद्दों से, आपके और हमारे जैसे लोगों के मुद्दों से जुड़ी होती है। और हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इन कहानियों में जो कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं वो किसी बहुत बड़ी दिव्य शक्तियों से लैस नहीं है, बल्कि वो कैरेक्टर जो हैं वो आपके और हमारे जैसे आम इंसान हैं। वो मुश्किल से मुश्किल बातों को, समस्याओं को और हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रासरूट्स कॉमिक्स हैं क्या। देखिए, एक कॉमिक्स है जो मुख्य धारा की कॉमिक्स है, मेन स्ट्रीम कॉमिक्स है जिनको कलाकार तैयार करते हैं। ग्रासरूट्स कॉमिक्स वो कॉमिक्स हैं जिनको आम लोग बिना किसी ड्राइंग स्किल के जाने, जरूरी नहीं कि वो कलाकार हों, उनकी आर्ट बहुत अच्छी हो, सिर्फ वही लोग ड्रॉ करेंगे और तैयार करेंगे, बल्कि इन कॉमिक्स को ऐसे लोग भी तैयार कर सकते हैं जो कभी पढ़े नहीं, अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने कभी पेन नहीं पकड़ा, क्योंकि आपको ड्रॉ करने के लिए साक्षर होने की जरूरत नहीं। आप अपनी कहानी को कह सकते हैं, आप खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं। हमारी बहुत सी कार्यशालाओं में बहुत सारे ऐसे निरक्षर लोगों ने अपनी कहानियों को कहा है, बेघर लोगों ने, सब्जी बेचने वाले औरतों ने अपनी कॉमिक्स बनाई हैं और उसको फोटोकॉपी कर बाकी आम लोगों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये ग्रासरूट्स कॉमिक्स की ताकत है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तिकड़म की ज़रूरत नहीं है, बहुत तकनीक की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण पेन पेंसिल की मदद से कहीं भी बैठ कर इन कहानियों को कह सकते हैं। आपको कलाकार होने की जरूरत नहीं है, आप साधारण चित्रों की मदद से अपनी कहानी को कह सकते हैं। तो बिना चिंता किए कि मेरी ड्राइंग कैसी है या मैं कैसे ड्रॉ करूंगा या करूंगी, नहीं, आप इसकी चिंता मत करिए। आप एक अच्छी कहानी के बारे में सोचिए, और अच्छी कहानी अगर आपके पास है तो आप एक ग्रासरूट्स कॉमिक्स का वॉल पोस्टर खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो इन ग्रासरूट्स कॉमिक्स को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? एक पेपर, एक पेंसिल,
एंड समथिंग टू से। कहने के लिए अगर कुछ आपके पास है तो बहुत आसानी से आप अपनी कॉमिक्स बना सकते हैं। बाजारों में अक्सर प्रोफेशनल दिखाई देने वाली मेनस्ट्रीम कॉमिक्स को कौन तैयार करता होगा? जाहिर है कलाकार, और उन्हें हम कॉमिक्स आर्टिस्ट कहते हैं, यानी कॉमिक्स कलाकार। आप सोच रहे होंगे क्या हम कॉमिक आर्टिस्ट हैं या हम कॉमिक आर्टिस्ट बन सकते हैं? क्या हमारी आर्ट इतनी खूबसूरत हो सकती है या अच्छी दिखाई दे सकती है कि हम भी प्रोफेशनल सी दिखने वाली कॉमिक्स को तैयार कर पाए? मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं ए बी सी डी पर, यानी एनी बडी कैन ड्रॉ। मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि आपको लगे कि मैं भले ही प्रोफेशनल कॉमिक आर्टिस्ट की तरह ड्रॉ नहीं करता या करती, लेकिन मैं कॉमिक जरूर बना सकता हूं। तो देखते हैं कि कैसे हम कुछ छोटी सी टेक्निक को सीखने के बाद क्या एक बेहतरीन ड्राइंग या कॉमिक्स की तरफ हम अपनी जर्नी को लेके जा सकते हैं या नहीं। क्या सोच रहे हो कि मैं हवा में गोले क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने गोले बनाना सीख लिया तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, सच कह रहा हूं। कैसे? चलो सीखते हैं। अक्सर जब लोगों को कागज पर गोले बनाने के लिए कहा जाता है तो कोई बॉटल के ढक्कन से तो कोई अपनी चूड़ी से एग्जैक्ट गोल बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, गोले बनाने का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल वृत्त की तरह, सर्कल की तरह आप उसको गोल बनाएं। गोले बनाने का अर्थ है कि आप किस तरह से फ्री हैंड अपने हाथ को चलाएं और गोल यानी कि एक आकृति बनाने की कोशिश करें। बस ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हवा में गोले बनाने हैं, आप प्रैक्टिस करिए और अपने हाथ को पहले हवा में तेज तेज घुमाने की कोशिश करिए, और इसी तरह से अब यही क्रम आप अपने कागज पर दोहराइए। तो देखते हैं क्या होता है जब हम तेजी से गोले बनाते हैं तो कैसे हमारा हाथ चलता है और हमारे स्ट्रोक में किस तरह से एक मैच्योरिटी दिखाई देती है। कैसा है हमारा स्ट्रोक कागज पर, ऐसे दिखाई देता है मानो किसी कलाकार ने उसको ड्रॉ किया हो। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने एक गोले को तैयार किया। पहले धीरे धीरे डर डर कर, और अब अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इस तरह से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि कागज पर 100 गोले बना रहे, और 100 गोले बना लेने के बाद आप देखेंगे कि अब हम इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे एक अलग कागज पर, और देखेंगे कि कैसे अब हम जब सर्कल या गोले तैयार करते हैं तो वो गोले डरे हुए नहीं बल्कि बहुत मैच्योर दिखाई देते हैं, परिपक्व दिखाई देते हैं। लगता है कि उन स्ट्रोक को किसी कलाकार ने बड़े अभ्यास के बाद उसको तैयार किया है। तो पहले तो ड्राइंग से अपना डर निकाल देना है, और आप सर्कल और गोले बनाने की खूब प्रैक्टिस करनी है। करते हैं। गोले बनाना तो हम सीख ही चुके हैं, तो चलो अब सीखते हैं चेहरे के भाव बनाना। तो शुरुआत करते हैं आप फ्री हैंड सर्कल्स बनाने से। इस तरह से मान लीजिए ये इंग्लिश अल्फाबेट का एक अक्षर ओ है, तो हम एक और अल्फाबेट यूज करते हैं टी, और इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। नाउ लेट्स प्ले विद द टी। टी को हम ब्रेक करते हैं इस तरह से। क्या बना? दिखाई दे रहा है एक दो आईब्रोज, एक नोज, और इस टी को और थोड़ा सा अगर प्ले करें तो अलग अलग एक्सप्रेशन हमको दिखाई देंगे। उससे वाला
ये सोचने वाला और ये डरने या सोने वाला शायद। अब क्या किया जा सकता है? अब हम इसको आईब्रोज और नोज बनने के बाद हमें कुछ और एलिमेंट ऐड करते हैं इसमें। हम इसमें आईज बनाते हैं और आईबॉल्स। इसकी आईज थोड़ी सी पास में, इसकी आईज बड़ी सोते हुए शायद। वाओ, तो अब इसमें क्या बच्चा माउथ के ये जनाब थोड़े से और ये भी थोड़े से डरे हुए से लगते हैं। ये तो बहुत गुस्से में लगते हैं। ये बहुत एस्ट्रोनिस्ट हैं। ये जनाब चुप हैं। ये जनाब स्माइल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? तो देखा आपने, एक तरह के लगभग चेहरे हैं लेकिन हाफ आइज करते ही एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाता है, और पास पास आइज करने से बच्चे की स्माइल शायद। अब इसमें हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है। क्या बच्चा? हेयर, सो बाल और कान। ये शायद छोटा बच्चा है, इसके छोटे छोटे हेयर इस तरह से टिंग 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 टिंग। और देखते हैं पिछले वाले थे इसमें क्या क्या हेयर थे। इसमें कुछ हम हेयर ऐड करते हैं इस तरह के, और हम चूड़ा भी बना सकते हैं, चोटी भी बना सकते हैं, ओके, टोपी बना सकते हैं, मूंछें लगा सकते हैं, दाढ़ी भी लगा सकते हैं। वाओ, और कैसे चेहरे बनाए जा सकते हैं? अब देखते हैं कि जहां जहां लोगों ने ग्रासरूट्स कॉमिक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया वहां पर किस तरह के बदलाव आए। क्या कॉमिक्स सिर्फ मनोरंजन का एक साधन हो सकता है या वो सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन सकता है? क्या जब लोग अपनी कहानियों को कहना शुरू करते हैं तो उनकी मीडिया के ऊपर एक ओनरशिप होती है, वो महसूस करते हैं कि ये माध्यम मेरा है, ये प्रोडक्ट मैंने तैयार किया है और इसका ओनर मैं हूँ क्योंकि मेरी कॉमिक्स में एक बहुत गंभीर बात की गई है, क्योंकि मेरी कॉमिक्स में एक सामाजिक बदलाव की बात की गई है, क्योंकि मैंने उस मुद्दे को उठाया है जिसको मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है, ना कि किसी व्यक्ति ने मुझे राजधानी से आकर बताया कि तुम इस मुद्दे पर अपनी कॉमिक्स तैयार करो। मुझे अपना स्थानीय मुद्दा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, मुझे अपनी स्थानीय भाषा महत्वपूर्ण लगती है, मुझे अपने आसपास के लोग और आसपास के लोगों की ज़रूरतें और उनकी समस्याएं महत्वपूर्ण लगती हैं।
तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस भी मेरे आसपास है। इसलिए इन सब बातों को सोचने के बाद वह व्यक्ति अपनी भाषा में अपनी कहानी को अपने अंदाज में कहना चाहता है। राजस्थान के बाड़मेर में कब्बू की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान का ये इलाका बेहद पिछड़ा और रेगिस्तान का इलाका है, मुश्किल इलाका है। पानी की कमी तो है ही, लेकिन साथ में लिंग भेद, बालिकाओं के साथ भेदभाव की भी बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर कैसे कब्बू ने कॉमिक्स को एक अपना माध्यम बनाया और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर एक बड़ा कॉमिक्स अभियान चलाया। सुदूर उत्तर पूर्व के एक राज मिजोरम का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ रहने वाले टोना ने किस तरह से कॉमिक्स का इस्तेमाल किया। टोना को लगता था कि मिजोरम में लोग वोट डालने तो आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मुझे वोट डालकर क्या करना है और मेरे वोट से क्या बदलाव आ जाएगा। लेकिन टोना ने कॉमिक्स का इस्तेमाल लोगों को वोट डालने की ज़रूरत और वोट डालने के महत्व को लेकर तैयार किया और इस कॉमिक्स को उन्होंने एक कैंपेन की तरह से पूरे वोटिंग के राइट्स को लेकर, वोटिंग की ज़रूरत को लेकर इस पर एक अभियान चलाकर किया। देखते हैं इस वीडियो में। कॉमिक्स इतना सशक्त और पावरफुल मीडियम है कि मैंने सोचा कि इसे क्यों सिर्फ सुपर हीरो की स्टोरी को कहने के लिए सीमित रखा जाए, क्यों ना इस माध्यम का इस्तेमाल सूचना और संवाद के लिए किया जाए। हमारे देश में बहुत ही अलग अलग तरह के माध्यम हैं, मीडियम हैं, जिन मीडिया को आप समझते हैं, टेलीविज़न, अखबार, मैगजीन्स और अब इंटरनेट जैसा एक सशक्त माध्यम हमारे पास है। लेकिन फिर भी क्या दुनिया के तमाम लोग या हमारे देश के तमाम लोग अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, क्या अपनी बातों को वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं जहां सच में उन बातों को पहुंचना चाहिए। तो ये सिलसिला जब चला तो लोगों के पास हमने जाना शुरू किया और लोगों को कहा कि आप अपनी कहानियां सुनाइए, आपके पास कौन सी कहानी है, आपके पास कौन से मुद्दे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने वैरायटी के इश्यूज, तरह तरह की कहानियां हमको सुनानी शुरू की। ये कहानियां मनगढ़ंत नहीं थी, ये कहानियां उन्होंने किसी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ी थी, ये वो कहानियां थीं जो उन्होंने आसपास देखी थी, ये वो कहानियां थीं जो वो रोज जीते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी कहानियों को, और इन कहानियों को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि आप अपने आसपास उन कहानियों को जरा ढूंढें और बाद में उन कहानियों को इसी तरह से डॉक्यूमेंट कॉमिक्स की मदद से करें। इस कहानी का शीर्षक है बदलाव जरूरी। संस्कृति 15 वर्ष की लड़की है, उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। संस्कृति, यदि तू घर के सारे काम नहीं करेगी तो मैं तुझे स्कूल नहीं जाने दूंगी। घर में तंगी होने के कारण संस्कृति घर के साथ खेत में काम करती है, वह बहुत मेहनती लड़की है। अरे बेटा संस्कृति, तुझे घर की समस्याओं को समझना चाहिए, तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। संस्कृति दादी से पूछती है, अरे दादी भला घर के सारे काम मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं। दादी कहती हैं, अरे बेटी इसमें कौन सी नई बात है, पहले मैं करती थी फिर तुम्हारी माँ, अब तुम करोगी, ये कभी बदलता थोड़े ही है। मगर दादी अब इसे बदलना ही चाहिए। कानून कैसे कैसे, बहुत तेज चलाना होगा क्योंकि शाम की हालत गंभीर है। हाय आ मरा। और तभी पुलिस आ जाती है और कहती है, ये क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मोटरसाइकिल में 3 लोगों का सफर कानूनन अपराध है। गुर्र, हाय, चलो अब तुम लोग चालान दो, चालान लगेगा अब तुम्हारा। और फिर कहते हैं, अब आइंदा 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार मत होना, और खुद तीनों मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल जाते हैं। और ये एक उत्तराखंड से कहानी है जो इसका शीर्षक है खाना तैयार है क्या। केशव और सुनीता ने मिलकर अपना काम शुरू किया।
हाँ, अब हमारा काम चल पड़ा है, कुछ दिनों बाद मांग भी बढ़ने लगेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक साहूकार उनसे थोक में सामान लेने आता है। क्या ये आपकी पत्नी है? हाँ, मैं और मेरी पत्नी बराबर मेहनत करते हैं, और शाम को जब दोनों घर आते हैं। सुनीता, जल्दी खाना तैयार करो, मुझे नींद आ रही है। और सुनीता खाना बना रही है, अब ये किताब पढ़ रहे हैं जनाब। हम काम तो बराबर करते हैं, मैं भी थक जाती हूँ, आपको भी घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। इनकी दिमाग की बत्ती जल गई इससे। तो आप सोचते होंगे, क्या ये कार्टून और कॉमिक सब एक जैसे हैं या इनके कुछ अलग अलग मायने हैं? कार्टून अक्सर आप अखबारों में देखते होंगे। कुछ कार्टून होते हैं जिसे हम पॉलिटिकल कार्टून्स कहते हैं, और वो कार्टून्स ज़्यादातर राजनीतिक परिदृश्य के आसपास ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन कॉमिक्स सिर्फ राजनीतिक हों या सुपर हीरो हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कॉमिक्स का एक बड़ा संसार है, और कॉमिक्स को आप अलग अलग मुद्दों पर बना सकते हैं। कॉमिक्स में एक कहानी है जो एक फ्रेम से शुरू होती है, दूसरे फ्रेम में जाती है, तीसरे फ्रेम में जाती है, और अनंत फ्रेम तक चलती रहती है, जब तक कि आप उस कहानी को ख़त्म ना करना चाहें। इसीलिए कॉमिक्स को सीक्वेंशियल आर्ट भी कहते हैं, यानी एक क्रम से शुरू होकर दूसरे क्रम, दूसरे फ्रेम तक पहुंचने वाली कहानी। अक्सर कार्टून्स को जब हम देखते हैं अखबारों में, तो आप देखते होंगे वो एक फ्रेम में होते हैं ज़्यादातर, इसीलिए उनको स्टैंड अलोन कार्टून भी कहते हैं। कॉमिक्स को अक्सर आपने किताबों की शक्ल में देखा होगा, यानी कॉमिक बुक एक पेज से शुरू होकर दूसरे पेज तक जाती कहानियाँ, फिर तीसरे पेज तक जाती, फिर चौथे पेज पर आती, और इस तरह से आपकी कहानी एक के बाद दूसरे पेज पर चलती चली जाती है। लेकिन जिन कॉमिक्स की हम बात करने जा रहे हैं, वो किताब की शक्ल में नहीं है, बल्कि ये कहानियाँ एक पोस्टर की शक्ल में है, कुछ इस तरह से। तो जिन कॉमिक्स को हम आज यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, वो कॉमिक्स वॉल पोस्टर कॉमिक्स हैं। आसानी से दीवारों पर, पेड़ पर, खंभों पर और दुकानों पर, सूचना पट पर, नोटिस बोर्ड्स पर, ऐसी तमाम सार्वजनिक जगहों पर लगाया जा सके जहाँ पर अक्सर लोगों की आवाजाही होती है या लोग गुजरते हैं, या उनकी नज़रों पर ये कॉमिक्स आ सके। चलिए तो अब एक नज़र डालते हैं कॉमिक्स बनाने के चरणों पर। किस तरह से हम सिलसिलेवार इन चरणों को फॉलो करते हुए अपनी एक कॉमिक्स तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले किसी भी कॉमिक्स को बनाने के लिए हमें एक मुद्दे की, एक विषय की जरूरत होती है। आपको सोचना है कि मेरे लिए कौन सा मुद्दा, कौन सा विषय सबसे महत्वपूर्ण है। मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं। आपका स्कूल का कोई मुद्दा हो सकता है, आपके घर का कोई मुद्दा हो सकता है, आपके परिवार का कोई मुद्दा हो सकता है, आपके निजी संबंधों का कोई मुद्दा हो सकता है। ये बिल्कुल पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, और आप किस मुद्दे पर अपनी कॉमिक्स को बनाना चाहते हैं। स्टेप नंबर टू है कि हम कैसे इस मुद्दे पर एक कहानी लिखें, यानी कि हमारे पास एक मुद्दा है, हो सकता है वो भ्रष्टाचार को लेकर हो सकता है वो सफाई को लेकर हो, तो आप इस मुद्दे पर एक कहानी लिखिए। क्या ये कहानी हमारी काल्पनिक होंगी, या कहानी हमारे निजी जीवन से हम निकाल कर लेके आएंगे? मैं कहूँगा और आपको सुझाव दूंगा कि हमें काल्पनिक कहानियों की तरफ नहीं जाना है, हमें राजा रानी की कहानियों की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हमको उन कहानियों की तरफ जाना है जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं। लेकिन कॉमिक्स की कहानी को लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक से ज़्यादा मुद्दे या विषय ना हो। इसी कहानी को लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें कैरेक्टर भी ना हो, कहानी बहुत लंबी ना हो, क्योंकि हमारा फॉर्मेट बहुत लंबी कहानी के लिए नहीं है, बल्कि एक छोटी कहानी के लिए है। तो ये कहानी कहने का तरीका है।
कहानी में क्या नहीं होना चाहिए ये भी हमें याद रखना है। कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। कहानी में ऐसा ना हो कि आप किसी व्यक्ति, किसी खास जाति, किसी खास धर्म के या किसी समाज के किसी एक वर्ग के खिलाफ कोई बात कह रहे हो। किसी की भावना को उस कहानी में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कहानी से एक संदेश मिलना चाहिए। कहानी से हमको एक शिक्षा मिलनी चाहिए। कहानी से हमें एक विचार मिलना चाहिए। कहानी ऐसी हो जो थॉट प्रोवोकिंग हो, जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करे। कहानी ऐसी हो जिसको पढ़ने के बाद हम दो मिनट के लिए सोचें, सोचने पे मजबूर हो जाएं। कहानियों के बारे में हमें और सोचने की जरूरत है कि कहानियाँ किसी टेक्स्ट बुक से निकाली ना हो, कहीं व्हाट्सएप पे किसी फॉरवर्ड जोक की तरह ना हो, कहानी किसी से सुनी सुनाई ना हो, कहानी से किसी की नकल ना हो, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो कहानी हमको खुद कहनी है। कहानी किस भाषा में लिखी जाए? अरे आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में अपनी कहानी को लिखिए। आपको लगता है हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, बुंदेलखंडी में, तमिल में, तेलुगू में, फ्रेंच में, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में अपनी कहानी को लिखिए। आपको ध्यान रखना है आपके ऑडियंस, आपके पाठक किस भाषा को समझते हैं। कहानी आपको उनके लिए तैयार करनी है। कॉमिक्स में अक्सर हमें अलग अलग फ्रेम में अलग अलग तरह के मूवमेंट दिखाई देते हैं और उसके लिए हमें चेहरे के भाव के साथ साथ अलग अलग तरह की शरीर की मुद्राएं कैसे बनाया जाए इसको भी सीखना जरूरी है। और इसको सीखने के लिए भी एक टेक्निक है और उस टेक्निक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे के साथ साथ जो हमने भाव सीखे उसके साथ साथ शरीर की मुद्राओं को बनाना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। शरीर की कोई भी मुद्रा बनाने के लिए हमको सबसे पहले है उसको सिंप्लीफाई करके देखने की जरूरत है। जैसे कि हम उसको पूरा एक साथ बॉडी पोस्चर ना बनाते हुए पहले उसका स्केलेटन तैयार करेंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जैसे मुझे एक व्यक्ति को खड़े हुए दिखाना है और दूसरे को यहाँ पर चलते हुए या दौड़ते हुए, जैसे भी पहले मैं इसका स्केलेटन तैयार करूँगा और इसके बाद मैं ब्लैक पैन देखता हूँ इसके ऊपर यहाँ पर और जहाँ जहाँ मेरी स्केलेटन की लाइन है वहाँ पर मैं सिर्फ डबल लाइनें खींचूंगा, एक इधर एक इधर। और अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट पोस्चर बनाना बहुत आसान होगा। बाद में आप चाहें तो इस पे डिटेल को ऐड कर सकते हैं। अंदर की स्केलेटन की लाइनों को आप मिटा दीजिए तो आपका पूरा एक बॉडी पोस्चर जो है वो जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आसानी से तैयार हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके देखिए अपने पोस्चर को। तो कॉमिक्स बनाने की तकनीक अब हम सीख चुके हैं। हमें पता है कि हमारा फाइनल वॉल पोस्टर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान रखिए ये पोस्टर A3 साइज कागज पर है लेकिन मैंने दो सामान्य जो कागज हमारे होते हैं A4 साइज के कागज उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये देखिए एक कागज यहाँ पर और एक कागज यहाँ पर। तो क्या हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, फाइनल कागज पर अभी नहीं। सबसे पहले हम A4 साइज का ये कागज लेंगे और इस कागज पर हम रफ काम करेंगे। हमको विजुअल स्क्रिप्ट यानी कि उसका रफ एक खाका तैयार करना है। तो इस कागज को आप लीजिए और इसको एक बार फोल्ड करिए और फिर एक और बार फोल्ड करिए। तो जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास चार फ्रेम तैयार है। अब आप अपनी कहानी को चार भागों में जो आपने डिवाइड किया है 1, 2, 3 और 4 यहां पर इस तरह से रफ खाका तैयार कर लीजिए। देखिए सबके लिए आपको बहुत महंगे पेन खरीदने की जरूरत नहीं है। कॉमिक्स का ये जो मीडियम है
ये बहुत ही सस्ता मीडियम है जिसको हम कहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम। इसके लिए आपको A4 साइज के कागज की और ब्लैक पेन और पेंसिल और इतने भर की जरूरत है। फोटोकॉपी करें, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अब अगर हम अपनी कहानी के साथ तैयार हैं, मान लीजिए हमारी कहानी यहाँ पर इस तरह से लिखी गई है, हम सबसे पहले अपनी कहानी को देखें कि किस तरह से चार भागों में ब्रेक हो सकती है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी कहानी की शुरुआत है, नंबर 2 पर कहानी का घटनाक्रम और 3 पर घटनाक्रम आगे बढ़ता है या फिर उसमें नाटकीयता आती है और 4 में कहानी का अंत होता है और हमको उसी कहानी से संदेश भी मिलता है, लास्ट में जो हम मैसेज उसमें कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप देखें कि आपकी कहानी का फर्स्ट पार्ट क्या है, यानी कहानी कहाँ से शुरू होती है। इसके बाद आप कहानी का लास्ट पार्ट देखिए, कहानी कहाँ खत्म हो रही है। यहाँ पर 1 नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर नंबर 4 डाल दीजिए। हम अपनी स्टोरी में जो भी प्रॉब्लम है उसको वहीं पर फर्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब बाकी का बीच का बचा हुआ हिस्सा जो है इसको बराबर में आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पहला एक घटना और नीचे दूसरी घटना जोड़िए, यानी कि ये वाला पार्ट आप हो सकता है इतना भर 2 और लास्ट में इतना भर 3 दे। अब हमारी कहानी 4 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है और रफ इसका स्केच तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कैरेक्टर्स कहाँ आएंगे, हमारे डायलॉग्स कहाँ पे आएंगे, हमारा बैकग्राउंड कहाँ आएगा। इसके लिए हम कॉमिक्स की जो ग्रामर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कॉमिक का पहला एक फ्रेम है, इसके ऑलमोस्ट 2/3 नीचे के भाग में आप कहानी के मेन कैरेक्टर को ड्रॉ करिए, है ना। और कहानी का जो इस फ्रेम का जो ऊपर का 1/3 का जो हिस्सा है, इस हिस्से को यहाँ पे सीधी लाइन खींच के इनके डायलॉग के लिए जगह छोड़िए। अब कैसे पता चलेगा कि ये डायलॉग इसका है और ये डायलॉग इसका, तो इसके लिए हमको इस तरह के अलग अलग तरह के गुब्बारों की बलून्स की जरूरत होगी, है ना। तो ये गोला बना के ये पॉइंटर जिस पर्सन की तरफ आएगा वो व्यक्ति बोल रहा है, तो ये बोलने वाला हमारा गुब्बारा हो गया। और अगर बादल की शक्ल में है और 3 बिंदी उस कैरेक्टर की तरफ है तो ये हमारा गुब्बारा हो गया सोचने वाला। और ये कौन सा हुआ, गुब्बारा फट गया है हमारा, है ना, तो दिखाई भी दे रहा है, चिल्लाने वाला। और यहाँ पर बोलने वाला गुब्बारा जैसे ही है लेकिन ये डॉटेड लाइंस में है, है ना, तो इसका मतलब धीरे से कोई बात कही जा रही है, फुसफुसा, तो फुसफुसाने वाला गुब्बारा। और अगर ग्रुप में लोग इकट्ठे होकर एक बात कहें कि नारा लगा रहे हैं, अगर सब एक ही बात करें तो बहुत सारे गुब्बारे बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक ही गुब्बारे से 3 पॉइंटर्स क्राउड की तरफ अगर हम दिखाएंगे तो हमें पता चल जाएगा सब लोग एक साथ एक बात कह रहे हैं। राइट हैंड साइड में जो पर्सन है अगर वो पहले बात को कह रहा है, आप ध्यान रखिएगा कॉमिक्स को हम लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टर है वो लेफ्ट साइड में अगर आ रहा है तो हम लेफ्ट और राइट में उसका बैलून तैयार कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए राइट साइड में हमारा कैरेक्टर है और वो पहले अपनी बात को कह रही है, तो इसका हम ऊपर से इस गुब्बारे को तैयार करेंगे और पॉइंटर यहाँ पर लेके आएंगे और जो बाद में बोल रहा है उसका नीचे लेके आएंगे। और अगर कहानी में कोई बात कही नहीं जा रही है लेकिन महत्वपूर्ण है ना, विवरण का बक्सा, लेकिन इसको कोई डायलॉग की तरह बोल नहीं रहा है लेकिन ये कहानी में जरूरी इन्फॉर्मेशन है और इसको हम मिस नहीं कर सकते, तो ये विवरण का बक्सा है जो ऊपर भी आ सकता है और बॉक्स के नीचे भी आ सकता है। कभी कभी बात हम ना डायलॉग में आ रही है ना हमारी बात विवरण बॉक्स में आ रही है, तो हम उसको इस तरह से सूचना बोर्ड पर, सूचना पट पे या इन्फॉर्मेशन के होल्डिंग्स पे या किस तरह के साइंस में हम दिखा सकते हैं। कैसे हम डायलॉग लिखेंगे, सबसे पहले आप अपने डायलॉग को सीधी लाइन में पहले पेंसिल से लिखेंगे और फिर उसके बाद बैलून बनाएंगे। पहले बैलून बना लेंगे और फिर आपका डायलॉग बड़ा हुआ तो फिर आपका डायलॉग उसमें पूरा नहीं आएगा। तो पहले याद रखिए, पहले लिखें फिर बैलून बनाएं और फिर पेंसिल की लाइन को जब मिटाएंगे तो इस तरह से साफ साफ दिखाई देगा।
इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपनी कहानी में मेन कैरेक्टर को बनाना सीखें, अब हम डायलॉग भी लिखना सीखें, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी बैकग्राउंड के बारे में हमें जाननी चाहिए। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, यानी यहाँ देखेंगे इस फ्रेम में ये दोनों कैरेक्टर हैं, यहाँ भी ये दोनों कैरेक्टर हैं, तीसरे फ्रेम में भी दोनों, लेकिन क्या अलग है? यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ये घर के अंदर है, ये शायद किसी गांव में है, और यहाँ पर ये किसी शहर में है, बड़ी बिल्डिंग और फैक्ट्री दिखाई दे रही है। कैसे पता चला? बैकग्राउंड, ये क्या है? फोरग्राउंड यानी अग्रभूमि और पृष्ठभूमि। तो हम कैसे काम करेंगे? सबसे पहले कहानी के मेन कैरेक्टर बनाएंगे, लिखने के लिए ऊपर जगह छोड़ेंगे, और जितनी बची हुई जगह है उस पर मिनिमम बैकग्राउंड तैयार करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि जो गुब्बारे हैं वो कैरेक्टर के बीच में ना हो, छोटा छोटा ना लिखा हो, जो पढ़ने में ही ना आए। हमारे बैलून्स इस तरह से ऊपर होने चाहिए, साफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए जो हमें दिखाई दे। हमें पहले जो बोलेगा उसका गुब्बारा पहले लाना है, जो जवाब देगा उसका बाद में। जिस तरह से इसने कहा मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नहीं, तो पहले तो प्रश्न सवाल आएगा, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। इस तरह से हमको ध्यान रखना है हमारी कहानी के कैरेक्टर जो हैं, अगर एक ही तरह की ड्रेस को पहनते हैं तो पाठक के लिए उस कैरेक्टर को पहचानना बहुत आसान है। अगर उस कैरेक्टर ने बार बार अपनी ड्रेस को हर फ्रेम में चेंज कर लिया, कभी उसने किसी तरह के बाल बनाए, कभी किसी तरह के उसने शर्ट पहन ली, कभी हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया, तो आपका पाठक उसको पहचान नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा है कि एक ही तरह के कैरेक्टर की एक ही तरह की ड्रेस अगर रहेगी, एक ही तरह का हेयर स्टाइल रहेगा, तो रीडर उसको आसानी से पहचान सकता है। जब हमारे पेंसिल की ड्राइंग तैयार हो जाए और आप फाइनल पेपर पर पहुंच जाए, तो आप अपने कॉमिक्स को इंक करने के लिए, यानी काले पेन से तैयार करने के लिए, और सारे कैरेक्टर की लाइंस को और बैकग्राउंड के डायलॉग की लाइंस को चेक करिए सब ठीक है या नहीं। इसके बाद एक कागज उस पर रख लीजिए ताकि आपके हाथ से स्मज होके आपकी पेंसिल की लाइन खराब ना हो जाए। अब आप पेन लीजिए, पतला पेन, जेल पेन, और उससे जितनी कॉमिक्स की आपकी आउटलाइंस हैं वो सब बना लीजिए। जो जो आपने पेंसिल से बनाया है वो सब बना लीजिए, सिवाय जो आपने लिखा है उसको छोड़कर। और उसके बाद आप देखिए इसमें जो स्केच पेन है उससे यहाँ पर कहाँ फिल किया गया, उसके टेक्सचर बनाए गए कपड़ों के, उसकी पगड़ी का डिजाइन बनाया गया, बालों में कलर किया गया, तो इस तरह का काम आप फिल करने को वाला मोटे पेन से कर सकते हैं। और जब ये काम हो जाए, सूख जाए, ऐसा ना हो गीले पर ही आप उसको रबड़ से कर दें, लेकिन सूखने के बाद पेंसिल की लाइनों को लास्ट में आप रबड़ से मिटा दें, तो आपकी जो कॉमिक्स है वो फाइनल कैरेक्टर इस तरह से आपको दिखाई देगा। जब आपकी कॉमिक्स दो कागजों पर तैयार हो जाए तो आप उसे बैक साइड में टेप की मदद से इस तरह से चिपका सकते हैं। अब आप इस ओरिजिनल को इस्तेमाल ना करें, इसको आप सिर्फ फोटो कॉपी करा लें, और फोटो कॉपी कराने के बाद तैयार होकर आएंगे और 10 कॉपी उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करें। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा याद रखें कि सार्वजनिक जगहों पर उसको लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी रिलीजियस प्लेस पर उसको ना लगाएं। जब आपकी कॉमिक्स तैयार हैं तो आप इसे लोगों में वितरित कर सकते हैं, लोगों के बीच दिखाएं उनको, जिन स्थानों पर संभव हो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, वहाँ पेस्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों से फीडबैक लें। इन इकट्ठी कॉमिक्स को आप नोटिस बोर्ड पर लगाएं, या फिर इन सबको इकट्ठा करके आप एक एग्जीबिशन की शक्ल में भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और आप अब जान गए होंगे कि ग्रासरूट्स कॉमिक्स का वॉल पोस्टर कैसे तैयार करना है। तो इंतजार किस बात का, उठाइए पेपर, पेंसिल और पेन, और जुट जाइए अपनी भी कॉमिक्स बनाने में। कॉमिक्स अपने पास नहीं रखना है, इस कॉमिक्स को फोटोकॉपी करने के बाद या स्कैन करने के बाद हमको ईमेल कर दीजिए, हमारा पता इस कार्यक्रम में यहाँ उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिखाई देंगे, तो हमें आपकी कॉमिक्स का इंतजार रहेगा। तब तक बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है,
कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें तीन तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे bepcddprogram@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर, गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चारू शर्मा है। पिछले 9 सालों से मैं सिविल इंजीनियरिंग की कई कंपनीज में काम कर रही हूँ। आज मैं आपको अपने काम के बारे में और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तो मैं जब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और बहुत बार इमारतों को देखा करती थी, वो ऊंची ऊंची इमारतें, या कभी कहीं सफर करते हुए बस में, ट्रेन में, जब नदी के ऊपर से पुल पार करते हुए कहीं जाती थी, तो हमेशा सोचा करती थी कि कौन इन सब चीजों को बनाता है, कौन हमारे सफर को इतना आसान बनाता है। और यूं ही देखते देखते, लोगों से पूछते, बात करते और कुछ किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता चला। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग में ही करूंगी। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जो इंजीनियर बनते हैं वो करते क्या है। तो चलिए हम सोचते हैं कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनमें सिविल इंजीनियर्स ने क्या काम किया है। जिन घरों में हम रहते हैं, जिन सड़कों पर हम चलते हैं, वो रेलवे स्टेशंस, मेट्रो स्टेशंस, हाईवेज और सभी तरीके के ऑफिसेस, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब कुछ सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, जो आज के समाज की एक जरूरी आवश्यकता बन चुकी है, उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए और हम तक पहुँचाने के लिए सिविल इंजीनियर्स बहुत योगदान देते हैं। जब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उन प्लांट्स को लगाने में, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स, जहाँ सूरज की ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, विंड पावर प्लांट्स, जहाँ हवा से बिजली बनाई जाती है, और जहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है, इन सभी प्लांट्स को बनाने के लिए सिविल इंजीनियर्स बहुत काम करते हैं। ये सब जानने के बाद आप सोचते होंगे कि आप इस काम को करने में अच्छा लगता है, क्या कोई संतुष्टि मिलती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि भारत देश के 17 राज्यों में और दुनिया के 12 से 15 देशों में जब मैंने अपने बनाए हुए, अपने कंप्यूटर और अपनी ड्राइंग्स में सोचे हुए चीज़ों को बनते हुए देखा, और उसके बाद जब ये जान पाती हूँ कि लंबे समय तक ये चीज़ें लोगों को सुविधाएं पहुँचाने में मदद करेंगी, तो हाँ, बहुत ही संतुष्टि महसूस होती है। तो मैं आपको यही बताऊंगी अपने इतने वर्षों के काम करने के एक्सपीरियंस से कि आप इसको बहुत ही आसानी से एक करियर ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। मुझे सुनने वाली लड़कियों के मन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये ऑप्शन लड़कियों के लिए अच्छा है नौकरी करने के लिए,
हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब भी घर बनता देखते हैं या सड़कें बनती देखते हैं तो उन जगहों पर तो सिर्फ आदमी ही होते हैं, तो क्या लड़कियां भी सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी करके आगे बढ़ सकती हैं? तो मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको कंप्यूटर पर बैठकर लैबोरेटरी में टेस्टिंग करके आप अपना प्रोजेक्ट में योगदान दे सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप लड़की हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मैं सभी लड़कियों को ये सलाह देना चाहूँगी कि आप ये मानकर कि आप लड़की हैं और आपके लिए कोई नौकरी ठीक है या नहीं ठीक है ये सोचकर बिल्कुल ना रुकें, अपना लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़ें। आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा और खासकर सिविल इंजीनियरिंग में इतने साल नौकरी करने के बाद तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों को सिविल इंजीनियरिंग में नौकरी करने में कोई मुश्किल आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप सभी में से कोई भी करने का सोचता है तो एक अच्छी नौकरी के लिए आपको कॉलेज में क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जब कॉलेज में पढ़ाई करते हुए ये देखा कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां सिविल इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को अच्छी जॉब्स ऑफर करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रेनिंग करके ये जाना जाए कि कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं उन चीज़ों को नौकरियों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी में ट्रेनिंग करते हुए मैंने ये जाना कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सिविल इंजीनियर्स किस किस तरह के काम करते हैं और उससे मुझे बहुत मदद हुई ये चुनने में कि मैं किस एरिया में काम करना चाहूँगी। जब मुझे नौकरी के लिए अप्लाई करना था तो मैंने उसी तरह के करियर ऑप्शन को चुना और आगे भी जब मैं जॉब में आ गई तो उसी ओर मैं आगे बढ़ी। आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि ट्रेनिंग के अलावा आप ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में काम करने में मदद करते हैं। ऐसे सभी काम करने से आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होती है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसके बारे में और पढ़ें और जानें और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग हमारे जीवन को और आसान और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। ये इंजीनियर्स किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत ही जल्दी और बहुत कुछ हमारे लिए बना देते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस करें तो स्मार्ट सिटीज जिनकी आजकल बहुत चर्चा होती है, तो ये स्मार्ट सिटीज में जब आप देखेंगे कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात गाड़ियों का यहाँ से वहाँ आसानी से चले जाना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना और हमारे शहरों के वेस्ट को मैनेज करना, हमारे घर तक साफ पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए पहुंचाना, बिजली को हमारे घरों तक पहुंचाना से लेकर हर एक वो सुविधा जो स्मार्ट सिटी उपलब्ध कराएगी उसमें सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि अपना लक्ष्य बनाएं, उसकी ओर काम करें, आगे बढ़ें और कभी ये ना सोचें कि ये नहीं हो सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से मेहनत करेंगे। I wish you all the very best. Thank you. बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो जिसको होस्ट करेंगे हम। ये हैं आपकी होस्ट, आपके खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काव्यल सेजानी और ये है केतन सिंह। बस इतना ही।
हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं, हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है, और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने। तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो। देखना ना भूलिए। बिल्कुल नहीं। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं, और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी छठी से दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।